अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, दिस इज़ मी बाबर सुल्तान और वेलकम करते हैं अपने वास्तविहन चैनल में। तो पहली बात यह है कि दोस्तों, फ्रेंड्स और मेरे जो स्टूडेंट हैं सभी मेरे अपने हैं, लेकिन मैं आप लोगों के लिए कुछ ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहता हूँ अपने इस चैनल पे, ताकि आप लोगों को मेरी इस चैनल से कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर मिलता रहे। मेरे चैनल से जुड़े रहिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ में घंटी का निशान होगा साइड पर कोने पर, तो उस पर क्लिक कर लीजिएगा। उसका फ़ायदा ये होगा कि फ्यूचर में जो मैं वीडियोज़ अपलोड करूँगा तो वो आप लोगों को मिलती रहेंगी। काफ़ी लोग ये गिला करते हैं कि सर आपकी वीडियोज़ नहीं मिलती कमेंट सेशन में, ये काफ़ी कमेंट कर रहे होते हैं। तो पता है आप लोगों ने करना क्या है, आप लोग सब्सक्राइब कर लेते हैं और नोटिफिकेशन बेल जो है ना उस पर क्लिक नहीं करते, उस पर क्लिक कीजिएगा लाजमी, ताकि मैं जो भी वीडियोस अपलोड करूँगा फ्यूचर में वो उनका नोटिफिकेशन आपकी नोटिफिकेशन बार में बासानी मिल जाएगा। तो इससे ये होगा कि आप इजीली मुझ तक मेरे चैनल तक रसाई हासिल कर लेंगे। तो उससे ये फ़ायदा होगा कि मैं एजुकेशन से रिलेटेड इस तरह की वीडियोज़ लाता रहता हूँ, ताकि आप लोगों का कुछ ना कुछ फ़ायदा हो जाए। और आज हम जो बात करने जा रहे थे वो एजुकेशन से ही रिलेटेड है। काफ़ी ऐसे बोर्ड हैं जिन्होंने चेंजिंग की है पैटर्न स्कीम और पेपर पैटर्न में, पेपर स्कीम में 2020 में। तो मैं ये चाह रहा था कि आप लोगों को से मैं ये शेयर करूं। पहले तो मैं वो आप लोगों से शेयर करूंगा कि आप लोग कौन कौन से जो बोर्ड हैं, पंजाब बोर्ड हो गया या कराची बोर्ड या KPK या जम्मू एंड कश्मीर फेडरल बोर्ड, कौन कौन से जो बोर्ड हैं जिन लोगों ने अपने पेपर पैटर्न में या पेपर स्कीम में आपके लिए चेंजिंग किया, ठीक है। तो पहले गौर से सुनना, आपने वीडियो को मिस नहीं करना, वीडियो को एंड तक देखना। जब तक वीडियो को आप एंड तक नहीं देखेंगे ना मेरे बनाने का फ़ायदा है ना आपके देखने का फ़ायदा है, क्योंकि हर किसी के पास शॉर्ट टाइम है। तो कोशिश करूँगा बिना टाइम जाए वीडियो की तरफ चलते हैं हम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि पंजाब बोर्ड जो है, तो इस बोर्ड ने आप लोगों के लिए कोई चेंजिंग नहीं की। हाँ, वो मैंने पहले एक वीडियोस अपलोड कर दी थी कि पाँचवीं और आठवीं के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कुछ असेसमेंट बेस्ड सिस्टम वो ला रहे हैं, जो मुख्तलिफ डिवीजन सेलेक्ट करके वो आप लोगों का टेस्ट और कुछ के टेस्ट लेंगे, कुछ वो एग्जामिनेशन खुद भी लेगा बोर्ड। वो कुछ चीज़ें थी, वो रिसेंटली वीडियो अपलोड कर मैं आई बटन में दे दूँगा, आप आई बटन में वो वीडियो जाके देख सकते हैं। पंजाब बोर्ड वालों ने कोई चेंजिंग नहीं की, जैसे पेपर आपके ऑलरेडी चल रहे थे वैसे के वैसे आप लोगों के पेपर चलते रहेंगे। कोई परेशान नहीं होना कि यार हमारे पंजाब के जो रावलपिंडी बोर्ड, लाहौर बोर्ड, भावलपुर, मुल्तान, जितने भी बोर्ड हैं, किसी भी बोर्ड ने या पंजाब बोर्ड में जो है उसमें चेंजिंग नहीं की, ना अपने सिलेबस में, ना ही पेपर पैटर्न में या पेपर स्कीम में, किसी भी लिहाज से कोई चेंजिंग नहीं की। तो एक बात ये होगी। दूसरी बात ये है कि पेपर स्कीम में चेंजिंग की या नहीं की। पेपर स्कीम मैं रिसेंटली अपलोड इंशाल्लाह बहुत जल्द करूँगा, 2020 की जो पेपर स्कीम है। अभी जो प्रॉपर पेपर स्कीम नहीं है, कुछ चैनल्स ऐसे हैं जिन्होंने ऑलरेडी पेपर स्कीम उठा के पिछले साल की उसको 2020 का बना के डाल दिया है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। आप फोकस करें, आप लोग ये ध्यान में चीज़ें रखा करें, कुछ सिर्फ व्यूज़ और लाइक्स हासिल करने के लिए ऑलरेडी जो वीडियोज़ पड़ी होती हैं उसको 2020 बना के डाल दी, लेकिन कुछ हैं पेपर स्कीम आनी है, मैं वो जैसे मुझे मिलेंगी मैं आप लोगों को प्रॉपर दिखा के वो आप लोगों को अपलोड करूंगा अपने इस चैनल पे, तो वो आप लोग देख लीजिएगा। बाकी कराची बोर्ड के स्टूडेंट जो जैसे उनका एजुकेशन सिस्टम चल रहा था वो वैसे ही है, कोई किसी भी क्लास में कोई उन्होंने ना पेपर स्कीम में ना पेपर पैटर्न में या कोई किसी भी लिहाज से कोई चेंजिंग नहीं की। आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर, उन लोगों का भी जो सीन चल रहा था वैसे ही है, और KPK बोर्ड, उनका भी वही सीन है जो आप लोग ऑलरेडी पेपर देते आ रहे थे, वही सेम पैटर्न, सेम स्कीम, सब कुछ सेम है, कोई चेंजिंग ना आप लोगों ने बोर्ड ने नहीं की। और अलबत्ता आपका जो फेडरल बोर्ड है उन्होंने चेंजिंग की है सिर्फ 9th क्लास के सिलेबस में। वो पता है क्या उन लोगों ने किया, पहले आप लोगों को दिया जाता MCQs दे दिए जाते थे और शॉर्ट क्वेश्चन Session 2, Session 3 आपको लॉन्ग क्वेश्चन दिए जाते थे पेपर में। ये तीन सेशन होते थे आपका MCQs का, शॉर्ट का और लॉन्ग का, ये तीन आपको कंप्लीट हो जाते हैं, हर दफ़ा ऐसे ही चलता आ रहा है। लेकिन आप लोग उन लोगों ने पता है क्या कि उन लोगों ने एक नया सेशन ऐड किया, वो अब किस लिहाज से होगा, कैसा होगा, ये अभी आना बाकी है, लेकिन जैसे ही अब मुझे मिलता है मैं आप लोगों को वीडियो बना के नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आप लोगों को बता दूंगा कि वो कौन सा सेशन ऐड कर रहे हैं, किस लिहाज से ऐड कर रहे हैं। होगा आप लोगों की बुक में से ही, कोई आउट ऑफ सिलेबस या कोई इंटरनेट से या कोई इधर उधर की बातें नहीं होंगी, आप लोगों के सिलेबस में ही होगा। वो कैसा देते हैं ये अभी वक्त बताएगा कि वो क्या चीज़ अपलोड, क्या चीज़ अपडेट देते हैं, कि यार हम कौन सी चीज़ें इंप्रूवमेंट लाना चाह रहे हैं या ये कर रहे हैं, इसका फ़ायदा क्या होगा फ्यूचर में स्टूडेंट को, या किस वजह से, कोई रीजनिंग होती है ना किसी काम करने की। जब तक आपके पास किसी काम करने की रीज़न नहीं होगी तो आप लोग करेंगे क्यों, जाहिर आप पढ़ रहे
हैं तो किसी रीज़न की वजह से पढ़ रहे हैं ना, आपका नाम हो, आपके वालदैन का नाम हो, कल को आप अच्छी जॉब पे चले जाएं, तो कुछ रीजनिंग है जिसकी वजह से बोर्ड या आपका सिलेबस में या आपके पेपर पैटर्न में या पेपर स्कीम में कोई चेंजिंग करनी होती है, वो ये नहीं बस चुप चुप धड़ाधड़ कर दिया किसी को बताए बगैर। हर चीज़ प्रॉपर मैनेजमेंट से होती है, प्रॉपर टाइमिंग के साथ होती है, जब जिस चीज़ की जिस टाइम ज़रूरत होती है वो लोग करते हैं। ज़ाहिर है अगर कुछ फ़ायदा ना हुआ तो नुकसान भी नहीं होगा, सेशन ऐड करने से आप लोगों का ही फ़ायदा, क्योंकि सेशन बढ़ जाएगा, नंबर शायद वो आपके लिए MCQs की तरह मार्क्स लेना आसान हो जाए। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैं आप लोगों को शेयर करना चाह रहा था। तो कुछ व्यूवर्स ऐसे हैं जो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो इससे ये होता है कि यार हमें मोटिवेशन मिलती रहती है कि यार हमें भी हमारी वीडियोज़ भी कोई लाइक करने वाला या कोई व्यूवर्स हैं हमारे जो वीडियोज़ देख रहे हैं, ना इसमें आपका नुकसान है ना हमारा नुकसान है, बस ये है कि हमें मोटिवेशन मिलती रहेगी और आपके कोई पैसे भी तो नहीं लगने, सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना है और साथ बेल आइकन पर क्लिक कर देना है। तो इंशाल्लाह फ्रेंड्स, ये हमारी एजुकेशन से रिलेटेड मीठी मीठी बातें होती रहेंगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुल्क पाकिस्तान का भी ख्याल रखिएगा, क्योंकि हमारी धरती माँ हमारे लिए सब कुछ है, हमारा जीने मरना, और हम लोग इसीलिए ही एजुकेशन हासिल करते हैं ताकि हमारे मुल्क का नाम रोशन हो और ताकि किसी हमारे जो नाम है फ्यूचर में हमारा किसी लिस्ट में हमारा भी नाम शामिल हो जाए। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। Allah Hafiz.